हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गंगिताज किचन। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं राजमा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजमा बहुत ही हेल्दी डिश होती है, पूरा आयरन से भरपूर होता है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है। चलिए फटाफट से हम लोग राजमा बनाते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको ईजी और हेल्दी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले पैन को गर्म करते हैं, थोड़ा तेज़पत्ता और जीरा डाल के अच्छे से तड़का लगाते हैं। उसके बाद थोड़ा कटा हुआ प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से उसको भून लेंगे। उसके बाद उसमें थोड़ा सा प्याज का पेस्ट डालेंगे और थोड़े मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स करने के बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का हम इसमें पेस्ट डालेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद टमाटर की प्यूरी डालेंगे, साथ में नमक डालेंगे और थोड़ा सा गर्म मसाला और राजमा मसाला। इन सब मसालों को डाल के टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के थोड़े टाइम के लिए अच्छे से पकाएंगे, जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से बिल्कुल मसाला हमारा पक के तैयार हो गया है। अब इसमें हम उबले हुए राजमा डालेंगे। राजमा पहले ही हमने बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा नमक और राजमा डाल के 2-3 सीटी तक आने तक इसको बॉईल कर लें। अब 2-3 मिनट तक इसको पकाएं मसालों के साथ में। ये देखिए बिल्कुल राजमा हमारा बनके तैयार है। स्वाद निखारने के लिए थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे, 2 स्पून। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। हमारा राजमा बिल्कुल तैयार है। आप इसे राइस के साथ और चपाती के साथ सर्व करिए। रेसिपी कैसी लगी मुझे